किचन, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लोबिया मसाला। यानी जब हम लोबिया की सब्ज़ी बनाएंगे, इसको ब्लैक आई बीन भी बोला जाता है और इसको हम लोग पंजाब में भरोंगी भी बोला जाता है। हमारे में ये बड़ी जल्दी और बड़ी इजी बन जाती है। इसको रात भर भिगोने की जरूरत नहीं है, जस्ट 1 घंटा भिगो देंगे पानी में और उबाल लेंगे तो जस्ट लाइक ये राजमा की तरह बनेंगे और बिल्कुल अच्छी तरी वगैरह वाले जो ग्रेवी वाले होते हैं वो बनेंगे मसाला। तो ये देखिए, अब ये होते हैं जो ये ब्लैक बीन होते हैं, ब्लैक आई बीन इसको बोला जाता है। 1 कप ये थे, ये जो लोबिया लिया था और इसको 1 घंटा भिगो दिया। भिगोने के बाद ये हमारे ऐसे हो जाते हैं थोड़े, ये देखिए। अब हम इसको कुकर में उबालेंगे 3 से 4 विसल देके। ये देखिए, मैंने ये कुकर में डाल दिया और इसमें हमने 1 कप लिया, तो हम जो इसमें भिगोया था वो वाला पानी फेंकेंगे नहीं, वो भी हम इसमें डालेंगे। 1 कप ये हो गया, ये 2 कप, ये 3 कप। हम इसमें 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और इसमें कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डालना। देखिए, अब हम इसको ढक्कन लगा के कुकर में 3 से 4 सीटी देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसको आंच पे रख दिया, गैस ऑन कर देते हैं जो भी। तो ये हमने इसको हाई फ्लेम पे पहले करेंगे, फिर हमको 3 से 4 सीटी देते हैं जैसे हम राजमा उबालते हैं, लेकिन इसमें राजमा से कम टाइम लगेगा, राजमा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। तो ये अभी 3 से 4 विसल हो जाएंगे, तो तब तक ये हम इसको रखते हैं, फिर मैं इस बीच हम अपना मसाला बनाना आपको मैं बता रही हूँ। लोबिया मसाला बना रहे हैं तो इसके लिए हमें ये जो जो चीज़ें चाहिए, ये देखिए 2 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ के, 2 ही टमाटर लिए हैं और ये लिए 1 हरी मिर्च लिए और ये 8 से 10 जवे लहसुन के लिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में ये प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। आप बारीक भी काट सकते हैं, मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। मैं आपको ग्राइंड कर लिया, इसी प्रकार मैं टमाटर और अदरक लहसुन को भी ग्राइंड करके रख लेती हूँ, फिर जब हमारे उबल जाएंगे फिर मैं। देखिए, मैंने इसको जो हमारा लोबिया था इसको उबाला, इसको 3 विसल दी हाई पे करके, फिर 3 विसल की और हमने ऐसे उबालना है। ये देखिए, ज़्यादा ना गले, जस्ट गल जाए बस, जैसे ये उबाल के इसको छान लिए, थोड़ा सा पानी बचा वो बाद में हम इसमें मिक्स करेंगे। इसके अलावा मैंने जो 2 प्याज लिए थे उसको भी ग्राइंड कर लिया मिक्सी में, अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लिया और ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है। और हमें थोड़े से मसाले चाहिए जो ऑर्डनरी घरों में हम सब्जियों में डालते हैं, तो हम अब इसका मसाला भुनेंगे, फिर मैं आपको। हमने कुकर आंच पे रख दिया और इसको ऑन कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल, थोड़ा हमारा तेल गर्म हो जाता है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा छोटा वाला, तो जीरा थोड़ा सा भून जाए तो हम इसमें डालेंगे आज भी क्या देंगे, ये प्याज जो हमने पीसे हुए थे पहले हम प्याज भून लेंगे थोड़ी देर उसके दौर में, इसको लाल करेंगे। 2 मिनट इसको भून लिया, प्याज के कलर बदल लिया है थोड़ा थोड़ा, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है जो देगा, तो इसको भी 1 मिनट भून लेते हैं, फिर हम टमाटर प्यूरी डालते हैं। अदरक लहसुन डाल के भून लिया, इसकी खुशबू आने लग गई है। अब हम ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे, तो इसको भून लेते हैं, फिर आप हमारा मसाला भून गया है, इसका प्याज और लहसुन अदरक का और टमाटर भी और इसमें तेल छोड़ दिया, यानी कि भून गया। अब ज़्यादा जले ना, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें पहले पानी डाल देते हैं।
और इसको भुनने देते हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मेरा देगी मिर्च डाल देंगे, यानी कश्मीरी लाल मिर्च, इसके कलर अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच डालेंगे, लाल मिर्च हमें डाल दिए। अब हम डालेंगे काजू की पेस्ट, यानी एक छोटा चम्मच के करीब नमक इसमें। फिर हम डालेंगे इसको धनिया सुखा दो चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं। और इसमें मेरे पास कचोरी देखती है वो भी हम इसमें डालेंगे। अभी मैं इसमें गरम मसाला नहीं डालूँगी, एक तीसरे का इंग्रीडियंट डालेगी जो इसको बहुत टेस्टी बनाएगा, यानी जस्ट लाइक हमें नॉन वेज की तरह टेस्ट देगा। तो अभी मैं इसको मसाला भून लेती हूँ, फिर भी आपको देखिए हमारा भून गया, सारे मसाले डाल दिए थे हमने सूखे मसाले। अब हम इसमें ये जो हमारे पास लोबिया उबला हुआ है दे, और इसको भी एक से दो मिनट अच्छी तरह से भून लेते हैं मसालों को। हम इसको अब मैं इसमें अपना एक चीज़ डाल रही हूँ मसाला, वो है यानी कि मीट मसाला या चिकन मसाला जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप ना भी डालना चाहें तो आप इसमें स्टैम गरम मसाला डाल सकते हैं। तो मैं इसमें एक चम्मच इसमें ये डाल दूँ, मीट मसाला है मेरा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारा बन गया। और हमने जो उबाले थे इसमें हमने उबो दिया, उसमें से ये पानी बचा था हमारे पास। तो अब हम ये और थोड़ा सा पानी और डाल के इसको एक से डेढ़ मिसल लगाएंगे, यानी कि दो मिसल लगाएंगे। और फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसको एक मिनट भून लेते हैं इसी तरह से, ताकि मसाले मिल जाएँ आपको। देखिए हमारे ये बन गया, भुन गया। तो अब हमने ये आधा कप पानी जो बचा था वो डालेंगे, और हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम वो डालेंगे। और एक से दो मिसल लगा के इसको जस्ट खोल देंगे, ज़्यादा गलाना नहीं है, बस इतना पानी होना चाहिए ताकि हम मिसल लगाएं और हमारी ग्रेवी भी बच जाए। अब हम इसको बंद करते हैं कुकर को, फिर हम इसकी दो मिसल लगाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारी दूसरी मिसल होने को है, एक हो चुकी है, तो अभी हम इसको बंद करेंगे। दूसरी विसल हो जाए थोड़ी आँख तेज कर देते हैं, तो दो विसल हो जाएंगे। इसको बंद करके ऑटोमेटिकली खुलने देंगे, जब इसके हाथ में आप प्रेशर निकल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक विसल हो गई, दूसरी हो गई, दो विसल हो गई हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको ऑटोमेटिकली इसके प्रेशर निकल जाए, फिर मैं आपको खोल के सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ये हमने खोल लिया कुकर, और अभी ये बस इतनी ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रखने चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन जस्ट ऐसी बनती है ये सब्ज़ी। आप इसको तंदूरी रोटी, परांठा या रोटी के साथ भी करते हैं और चावल के साथ भी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए हमारे लोबिया का मसाला बन, लोबिया मसाला सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं, ये आप राजमा और चने की अपेक्षा अगर ये बनाएंगे तो ये जल्दी भी बनती है और इतनी भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। तो आप इसको बनाइए, और बड़ी टेस्टी और बड़ी इजी है, बनाइए खाइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।